उत्तरी। अरे वीडियो रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट पीछे बैठते थे वो मार यार सब फंस गया ना डाउन करियो ज्यादा बोल रहा है इसको। हेलो गाइस कैसे हो, हेलो गाइस कैसे आप सब, मैं आपका भाई अलबादी और आप देख रहे हैं अलबादी व्लॉग। भाई ये व्लॉग मैं रात को स्टार्ट कर रहा हूं भाई, टाइम इतना हो गया 3:15 हो गए भाई, ये देख लो भाई 3:16 हो चुके हैं। और भाई मैं विनीत को छोड़ने घर पे जा रहा था भाई, अचानक विवेक की कॉल आ गई, उसके पास गए थे, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रखी है और भी उसने व्लॉग वगैरह शूट करने के लिए मना कर दिया, इसलिए वहाँ पे शूट भी नहीं कर पाए। तो भाई अब तो वहीं पे जाना पड़ेगा जहाँ पे लास्ट टाइम ले गए थे उसको, विवेक को। हाँ उस बाबा के पास ना, उसी के पास जाना पड़ेगा भाई, कुछ सोल्यूशन दे सकता भाई। तो भैया वहाँ से सीधे निकल लिए थे, अभी 150 किलोमीटर तो हमने ट्रेवल कर लिया, अभी आंखों की हालत आपको देख ली होगी कितनी नींद में हो रखे हम। तो भाई अभी हाईवे किंग पे रुके थे, काफी ज्यादा नींद आ रखी थी, अभी चाय पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी तो 3 घंटे का सफर रहता, पता भी तो नहीं था, एकदम इंस्टेंट आना पड़ गया। वही तो भाई, अभी रात को ही निकलना पड़ गया बिना किसी तैयारी के, ऐसे उठ के आ गए। अभी भी देखो भाई 3:30 घंटे बाकी है और ये देखो बारिश आनी स्टार्ट होगी और भाई इतना बुरा ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक 1 घंटा होगा यहीं पे खड़े भाई, इस ट्रैफिक में बैठे बैठे काफी देर हो चुकी थी और भाई ये देखो बारिश कितनी तेज आ गई। तो गाइस अभी राजस्थान का टूर आ चुका है। तो गाइस विवेक की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी इसलिए उसको साथ लेकर नहीं आए, भी काफी देर हो चुकी है चलते हुए भाई। नींद आए ना तो बता दियो, एक बार साइड में रहो के थोड़ी देर 5-10 मिनट सो लेंगे। और भाई टाइम देखो सुबह के 4 बज चुके हैं भाई, अभी 2 घंटे का रास्ता दिख रहा है। तो गाइस अभी थोड़ी सी भूख लगने लगी, आगे मन्नत हवेली आ रही है, वहां पे जाके सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो गाइस अभी मन्नत पे तो आ चुके हैं, अभी थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं। तो गाइस अभी चाय और पराठे मंगाए थे, तो गाइस ब्रेकफास्ट तो कर लिया था, अभी निकल रहे यहाँ से। अभी भी 1.5 घंटा दिखा रहा पहुंचने में, ये देखो अभी साइड में पहाड़ भी स्टार्ट हो चुके हैं। सो गाइस बस 1 घंटा और बचा और भाई ये देखो पहाड़ कितने मस्त लग रहे हैं। अभी नींद आ रही थी, थोड़ी कोक पी रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ भाई थोड़ा सा साइड लगा, बेसिक रेस्ट कर ले। अरे बस अब 50 मिनट में पहुंच जाए भाई, क्या रेस्ट करना। सो गाइस गाड़ी तो पार्किंग में लगा दी थी, अभी खाटू श्याम जी के मंदिर में जा रहे हैं। सो गाइस अभी अंदर एंटर कर रहे हैं, दर्शन तो कर लिए थे और भाई प्रसाद भी ले लिया और भाई विवेक के नाम का भी ले लिया था प्रसाद। तो गाइस हमने तो दर्शन कर लिए, आप लोग भी दर्शन कर लो और भाई कमेंट में जय श्री श्याम लिख दो। गाड़ी के पास तो आ चुके, अभी बाबा जी के पास चलते हैं, विवेक के लिए बबूती भी लेके चलते हैं। भाई साहब ये देखो भाई पूरी की पूरी रिक्शा पलट गई, किसी को चोट वोट तो नहीं लगी ना। देखो हमारा नया दोस्त आ गया, इसके लिए भी मंगा देते हैं 4 रोटी। कौन सी सब्जी खाएगा भाई, ओए कौन सी सब्जी खाएगा, हेलो ओए बोल नहीं रहा यार, ये तो एटीट्यूड में आ रहा है। गाइस बाबा से बबूती तो ले लिए थे, अभी वहाँ से भी निकल लिए थे। 12 बज गए, 5 घंटे ड्राइव करने के बाद अब तो कुछ खिला दो, अभी बस भाई कोई भी होटल आएगा ना उस पे रुक के खाते हैं बढ़िया से होटल पे। सो गाइस फाइनली होटल पे आ चुके हैं, तो भाई ये देखो व्यू कितना मस्त आ रहा है, इतने बेशरम है मेरे बिना ही खाने लगे, शर्म नहीं आई तेरे को अबे साले कहते। और ये देखो वही छोटे छोटे प्यारे प्यारे खरगोश, इधर आओ। तो गाइस क्या बोलते हैं, खरगोश पाल ले और अभी डायल उनकी देही तोड़ देगा। सो गाइस अभी टाइम हो चुका भाई, पूरे 6 बज चुके हैं, भाई बहादुरगढ़ आ चुके हैं और अभी हालत इतनी खराब हो गई, गाड़ी चलाते चलाते इतनी ज्यादा नींद आ रही थी। 17 घंटे में पहुंचे घर पे, देखाने जाने में 17 घंटे लग गए भाई, कल रात को 12 बजे निकले थे और 6 बजे घुसे हैं बहादुरगढ़, ये देख लो कितना टाइम हो गया हमें। तो गाइस अभी तो हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका है, अभी घर पे चलते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करके नहा धो के फिर बाद में मिलते हैं। सो गाइस घर जाके नहा धो लिए थे और भाई आधे घंटे की नींद ली गई और ये देखो भाई 9 बज चुके हैं यार, वो बबूती भी तो दे के आने थे उसको। हाँ भाई विवेक के पास भी जाना, अभी मीत भी आ चुका है, चले भाई विवेक के पास। विवेक के पास हाँ, वो बबूती कहाँ पे है, वो घर पे ही तो होगा और कहाँ होगा, घर पे नहीं है, मैं भी गया था उसके घर पे, घर पे गया था उसकी मौसी के घर गया होगा, मौसी के घर, मौसी के घर पता है तेरे को, नहीं भेज दिया उन्होंने एड्रेस तो भेज दिया। अच्छा चल जल्दी वहाँ पे चलते हैं फिर, मेरे ख्याल से वो आज ही व्लॉग शूट नहीं करने देगा, वहाँ पे जाके रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, बाकी जो भी उसकी हालत होगी वो आके बता देंगे आपको। वाली सोसाइटी ही लगा ले पार्किंग, सारा जाम लग गया 2 मिनट की पार्किंग के चक्कर में, ये तो गली आगे से बंद लग रही है यार, इसी गली में कौन सा घर है, एक बार फोन कर लेना बाहर ही आ जाए। क्या हो गया भाई, मेरी गाड़ी है बता क्या हुआ, क्या अरे 2 मिनट की बात है दोस्त, 2 मिनट क्या बात है, कस्टमर आओगे दुकान के आगे खड़ा, ये रास्ता है ना चले जाएंगे, छोड़ना ये वाला है। हाँ ये वाला खंडर में रहता है, उसकी मौसी खंडर में रहती है, लास्ट वाला है। सो गाइस वहाँ से तो आ चुके भाई, उसको दवाई भी दे दी, उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रखी थी भाई, पर उसने दवाई तो ले ली, अब तो लगा कि बंद कर दिया हमें सोसाइटी के अंदर ही, इसमें क्या हो रखा, इसकी हवा इतनी कम कैसे हो रही है भाई साहब, भाई बाकी सारे तो ठीक है यार, इसमें तो भाई पंचर नहीं हो रखा भाई, उत्तरी
पेचकस कौन मार गया यार? किसी ने गाड़ी वाड़ी पहचान के जानबूझ के तो नहीं मार दिए? किसी ने वो सूए वगैरह मार रखे है, पेचकस वगैरह देखा कुछ? अरे यार, अरे गाड़ी सामने खड़ी है, कोई तो देखा होगा। छेद हो रखा टायर में, सामने ही तो खड़ी यार, अधूरी है। किसी का ठेका उठा रखा क्या? खड़ी है तो देख जाऊंगा। अरे इसमें नहीं देखा, कैमरा लगा हुआ इसमें देख ले। खराब है, उतारियो एक बार। अरे खराब है यार, क्या इधर देख एक बार तू इसे। अरे खराब है, क्या करें आपका? अरे तो खराब है, तुम देख लेंगे खुद। अरे यार ऐसे ये क्या लिख के जा रखा है? शीशे पे ही मारने की कोशिश की है मेरे ख्याल से भाई। और कहीं तो नहीं कर रखा है, देखियो आस पास। मिल गई क्लिप, क्लिप में ही देख भाई, क्लिप में ही पता चलेगा। इसी टाइम की है ना यार, ये गाड़ी के पास घूम रहा, आगे करिए इसको। गाड़ी के पास तो गया था भाई तू, और आगे कर रहा है। देखिए हाथ में भी इसके है कुछ। अरे किसने कहते मैं गाड़ी के पास गया था? अरे वीडियो रुक जा, एक मिनट रुक जा, दिख रहा है तेरे को? एक मिनट रुक जा, एक मिनट। इसको देख, गाड़ी के पास घूम रहा है, नीचे बैठते थे वो मार दी यार, साफ दिख रहा है इसके पास होगा। एक काम कर, वो देख एक बार, पेच का सब वगैरह कुछ रखा आया नहीं। क्या 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 देखा? अरे जिससे उसने छेद किया वो तो दिख रहा है। वीडियो में देख रहा हूँ। देख रहा हूँ। ओ भाई साहब, फंस गया ना? पूरा टायर फाड़ के मैं वहाँ के दुकानदार के टिकट। टायर फाड़ देगा इसका मतलब है? कितना टाइम खड़ी करेगा यार? फिर टायर ना पड़ेगा जाता रहेगा। भाई 10-12 हजार रुपए का टायर आया एक, समझा? अरे वो ये रोड तेरा है क्या? दुकान तो मेरी है। फिर दुकान के भीतर ला रखी है? दुकान मेरी है, दुकान के सामने कस्टमर आएंगे जाएंगे वहां से। सारा रोड तेरा है, न्यू तो है। ऊपर शटर डाउन करियो, ज्यादा बोल रहा है इसको। रिटायर में पार्ट देगा क्या? हवा काट दे, काम हाथ गाड़ी में डंडा लेके आ। चारों पड़ेगा भाई, खोलिए एक बार शटर, खोल एक बार, चारों पड़ेगा ना, आ जा। 12 सुने, 12 भाई 12 इधर। अकेले बंदे बुला ले, किसको बुलाना? चल बुला, फोन पे मिला ले, बुला किसको बुलाएगा? अकेले पे चिल्ला रहे हो, ये नुकसान कर दिया इसका, क्या बुला ले जिसको बुलाना है? बुला ले भाई, बुला ले आराम, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे आराम से, कुछ बुला भाई, बुला आराम से बैठे हैं। ऊपर से गाड़ी का टायर भी फाड़ दे, ऊपर से अकड़ भी रहा है, अभी बंदे बुला रहे, बुला ले भाई, बुला ले पे बैठे हैं। एक मारू के, अरे रुक जा, इसने बंदे बुला लेंगे, बंदी आएगा इसका। सुन देख, साफ साफ बात है, जो नुकसान कर रहा है ना उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। 12 चल 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 चल, बंद कर बंद, चाबी अपने पास रख लेते हैं भाई, चलते हैं यार, चलेंगे कैसे इसमें, हवा कैसे भरवा यार? काम कर, अब तो ऐसे ही चला ले भाई यार, जब तक तो टायर खराब हो जाएगा यार मोहित। और यार क्या सॉल्यूशन है? दुकान की चाबी यार, अरे भाई कुछ नहीं दे रहा चाबी, एक काम कर जा, बुला ले उसको, बुलाना। अरे चाबी तो दे दे मेरे भाई। क्यों दे दे भाई? अरे यार सॉरी, गलती होगी भाई, बैठा था उसने कह दी, मैंने मार दिया। जब तो बड़ा कट रहा था, सुआ मार रहा था। अरे यार सॉरी, वो बल्ला था, बल्ला लेने की नहीं, बल्ला भाई नहीं मिल रहा कुछ, वो नहीं दिखा रहा। अरे ऐसे ऐसे काम पे कौन साथ देगा भाई? अरे वो दूसरा भाई बैठा, उसने कहा मार दिया, उसकी बात सुन के तूने पंचर कर दिया, टायर फाड़ दिया, 12 हजार रुपया नुकसान कर दिया, कौन भरेगा? उल्टी मत दी है क्या? थी देनी उल्टी? अरे यार दे दे सॉरी, इसके नुकसान की भरपाई कैसे करेगा तू? अरे यार जब अगले बंदे ने अब गलती मान ली, जब तो कौन वो करेगा भाई? कोई ना, देख लेंगे यार, बात बता कैसे चलाएगा घर तक। सुन एक काम कर ले, नहीं तेरी चाबी तो हेरी, एक काम कर, किसी पंचर वाले को बिठा ला बस एक बार जाके, और सुन भरोसे पे दिया, कहीं भाग मत जाइयो भाई को भेज ना, कोई नहीं अकेला चला जा तू। वो बंदा तो पंचर वाले को बिठाने गया हुआ है, और भी अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, 10-15 मिनट तो हो चुकी है। क्या हो गया? तूने चाबी गलत दी उसको, अब वो आएगा ही नहीं वापस, देख लियो तू। तूने क्यों दी भाई उससे चाबी? और क्या करता यार, मतलब यार ना पैसे लिए उसकी दुकान की चाबी और उसको दे दी, तो यार गलती मानने लग गया जब अगला बंदा, तो कोई मतलब बनता नहीं। क्या गलती यार, जब हवा निकाल देता और कुछ कर देता, उसने सुए मार रखे, अभी टायर बदलवाए थे यार, ये तो चीज गलती है उसकी। तो जब तक गुस्सा हो रहा था, जब तक तो मेरे को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर उसने लास्ट में जब सॉरी बोलने लग गया ना, फिर अरे तो तुमने रोक लेनी, तो उसके एक दो लगते है ना, तब इसे ही हो जाता वो यार, बढ़िया मारते उसके, इसने चाबी और दे दी यार, फिर भी देके जाता वो, ये चीज तो फिर गलत हो जाती ना, वो अकेला बंदा थोड़ा सा यार अकेला, फिर भी इतना कट रहा है। उसको दिया था ना फोन, बुला ले, किसी ने फोन नहीं उठाया उसके।
अब यार इस चीज में तो कौन ही साथ देगा, पर वो ये ठीक है, अकेले बंदे को मारना पीटना सही नहीं था। यहाँ पे वेट करते करते 11:30 हो चुके हैं यार, कितना टाइम हो गया यहाँ पे देखे, पूरी मार्केट सुनसान होगी, कोई भी नहीं आ जा रहा यार। अब वो आएगा ही नहीं, देखियो तो टायर बिल्कुल खराब हो जाएगा यार, खड़े खड़े हवा भर जाएगी। तो गाइस मेरे को तो नहीं लगता कि वो अभी आएगा, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे हमें 45 मिनट से ज्यादा ही हो चुकी है यार, थोड़ी दूर है वो, पूरा ही बैठ गया ये टायर, पूरा ही बैठ गया ना। अरे यार अब इसको चला ले भाई, यहाँ पे खड़े खड़े तो वैसे ही खराब होगा। अरे थोड़ी दूर है पेट्रोल पंप, वहाँ पे भरवा लेंगे। तो गाइस अभी यहाँ से निकलना ही लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि इतनी देर में आना होता तो वो आ ही जाता, वो मेरे ख्याल से भाग ही गया, जितने उसने सुवे वगैरह वो मार रखा है ना, तो लग रहा है पूरा टायर खराब हो यार, स्टेपनी डलवानी पड़ेगी, वही लग रहा है। तो अभी यहाँ से निकलते एक बार चलते हैं, पेट्रोल पंप तो आ चुका है, अभी मैकेनिक तो मिल ही जाएगा। सो गाइस अभी टायर तो चेंज करा लिए, इन दोनों घर पे छोड़ देता हूँ। गाइस उन दोनों को तो उतार दिया था, अभी मैं भी घर साइड जा रहा हूँ, और भाई वो तो पूरा टायर ही खराब हो गया, उसमें 4-5 बार मार रखे थे, दूसरा टायर ही चेंज कराना पड़ा। तो गाइस टायर चेंज करा के मैं तो घर पे आ चुका हूँ, बस अभी खाना पीना खा के सोने जाऊंगा भाई, काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। फुल टाइम दिखा देता हूँ, देखो भाई 2:30 बजने वाले हैं भाई। कुछ एक दो बंदे जो हमारे हेटर्स हैं वो बोलते हैं कि भाई आप फेक टाइम दिखाते हैं, इसलिए मैं आपको गूगल पे रियल अपडेटेड टाइम दिखाता हूँ। अभी बाकी अपनी अलबादी गैंग को पता ही है भाई, वो तो अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट करती है, उनको तो गूगल टाइम दिखाने की जरूरत नहीं। भाई 2:30 बज चुके हैं, अभी तक मैंने खाना पीना भी नहीं खाया। तो हमारे साथ सीन हुआ, इससे आपको ये भी पता चल गया होगा भाई ऐसी किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, जैसे वो लास्ट वाला सीन हुआ, वो स्कूटी लेके भाग ही गया। पहले तो इतना कर रहा था, मन कर रहा था उसके 2-3 वहीं पे लगा दे, कोई बात नहीं, उस चीज पे तो काफी ज्यादा कंट्रोल किया। लास्ट में आगे वो सॉरी भी बोलने लगे, इसलिए उसकी चाबी वगैरह सारी दे दी। इस बात को तो खत्म करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दें, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई का चैनल है अलबादी का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।